हेलो फ्रेंड, द किलविन पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब क्रिएटर्स के कुछ ना कुछ उनके डिफरेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं हम। मोस्टली सब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, फनी वीडियोस है, आपको हंसाने के लिए वीडियोस है, हमको बहुत मजा आ रहा है देने के लिए उस पर रिएक्शंस। एंड तो दोस्तों, आज मेरा वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर में एक बीबी की वाइंस भुवन बाम का एक लेटेस्ट वीडियो आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी पे अपना रिएक्शन दिया जाए। तो दोस्तों, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो इंडिया की तरफ से वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब क्रिएटर थे जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया था। वो वर्ष फर्स्ट शायद यूट्यूबर थे जिन्होंने शायद 15 या 20 मिलियन क्रॉस किया था सब्सक्राइबर्स। एंड उनके जो वीडियोज भी होते हैं दोस्तों, छोटे 3-4 मिनट के होते हैं, पूरा भरपूर कॉमेडी रहता है, थोड़ा एडल्ट कंटेंट रहता है, लेकिन वो जैसे उनका जो भाषा है वो एक जो नॉर्मल जनरेशन बात करता है वैसे ही है। तो बहुत मजा आता मुझे उनका, बहुत ही क्रिएटिव वे में वो प्रेजेंट करते हैं। एक आदमी को मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक फोन से उन्होंने कितना सारा मल्टीपल कैरेक्टर्स क्रिएट कर चुके हैं, हमको वो सब आइकॉनिक बन चुके हैं। कभी कभी देखने टाइम लगता ही नहीं है कि वो सेम क्रिएटर का ही है। एक ही जो भुवन बाम का कैरेक्टर है वही इतना सारा रोल्स निभा रहा है, तो बहुत मजा आता है। लाइक मैं तो बहुत ही उनको एक तरह से देखता हूँ उसको, उनको ऊपर, कि अगर किसी को क्रिएटर होना है तो उनके जैसा होना है, पूरा ट्राई करते रहना है जब तक सक्सेस मिल ना जाए। एंड तो दोस्तों, उनका जो अभी लेटेस्ट वीडियो आया हुआ है उस वीडियो का नाम है पिताजी गॉट टैलेंट। तो दोस्तों, ये फैनी होने वाला है कि अब भुवन बाम का जो पिताजी है बबलू जी, उनके सब पता नहीं क्या होने वाला है, वो कहाँ से उनका गॉड टैलेंट है, उनके पास क्या टैलेंट है, ये कुछ इंडिया गॉड टैलेंट से रिलेटेड है या इंडियन आइडल क्या है, वो देखने से मालूम हुआ। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हैं, ये जो वीडियो है बीबी जी वाइज का पिताजी गॉड टैलेंट का वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। मम्मी, हम तीनों के लिए चाय बना दोगी? कितने कप? 16 है? अरे तीन लोगे तो तीन कप ही तो बनाओगी मम्मी। एक मेरे लिए भी। बोल बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सुन, मैं कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक है? हाँ, मैं कह रहा था बस पीठ में थोड़ा दर्द है मेरे। अच्छा सुन, कुछ लगाओगे पीठ पे? हाँ बेटा, वो एग्जैक्टली क्या लगाओगी? चाटा। चुप कर जा बेटा, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ। मुझे वो, हम निकलते हैं फिर आप दोनों कर लो बात। अरे चुप, मुंह पे उंगली रख बेटा, तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज के दिन। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ ना पापा, घोटे में तो पहले फिर था। नहीं, मेरा मतलब बहुत किस्से सुनाई है ना। हाँ, मैं बहुत मुश्किलों से कॉलेज पहुंचता था, पुलिस बैरिकेड और किले टाप के। दिल्ली बॉर्डर पे था कॉलेज ना? कॉलेज में हमारी एक 5 लोगों की संगीत मंडली हुआ करती थी, उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो तबला बजाता था, एक दो सारंगी बजाता था। और आप क्या बजाते थे? तालियां। कुछ भी मत बको, मैं प्रोग्राम का आयोजन करवाता था। अच्छा, कुर्सियां लगाते थे? तो फिर बोला मुंह पे उंगली रख। बेटा, मैंने जीवन में कुछ खास नहीं किया, सब दोस्त मुझसे बहुत होशियार थे, पढ़ाई में, खेल कूद में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। कॉलेज के दिनों से ही मुझे कुछ बड़ा करना था। अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस हाँ, बड़ा हुआ तब भी तो वो बनाया। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये देख, टीवी पे एक नया शो आने वाला है, पिताजी गॉट टैलेंट। हर खंबे पे इश्तेहार लगा है, पिताजी गॉट टैलेंट। तो सोच, हर बाप को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आप पार्टिसिपेट करोगे? तो हम चारों में से बाप कौन है? बेटा बताओ। लेकिन आप में क्या टैलेंट है पापा? अरे मैंने कॉलेज में 2 साल वो भी किया है, वो ड्रामा करने को क्या कहते हैं, रंडी रोना करना। थिएटर? थिएटर। हाँ, थिएटर थिएटर। अरे वाह, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी पीढ़ी ने आज तक नाटक कहाँ देखा है? न्यूज चैनल देखते हो? तुम लोगों के लिए मनोरंजन तो वही होता है, वो 15 सेकंड का टिकटॉक। कुछ करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है, टाइटैनिक वाला सीन करते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। बड़ा बदतमीज है। शोले वाला करते हैं, शोले वाला। हम कब किए हुए? मैं गब्बर, आप वीरू, तू बसंती, मैं फांबा। ओके फांबा। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। एनकाउंटर का बोले हैं, जहां दिखे हुतड़ में गोली। हे छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको।
नाचती हूँ। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। कब तक टेंट का पानी बेचूंगी? तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी भर आएगी, डांस पे नाचेगी, खून निकलेगा, फिर लंगड़ी कुत्ते की तरह चलेगी, आओ 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 करेगी, ना पौवे का ठिकाना है ना नट्टी का, खर्चा कहाँ से करूंगा तेरी मरम पट्टी का। क्या कर रही हो ये? क्यों गलत किया? रहने देते, गाना गाना भी गा सकता हूँ रहाने जैसे। पापा रिहाना गाती है? चर्चा में तो दोनों ही आजकल। अच्छा सुनो यार, तुम लोग ऐसे मत देखो, घबराहट होती है। ठीक है ठीक है, मत देखो भाई, गाओ। कब से है दिल में मेरे अरमा कहीं अनकहे, इनको तो फिर निहार रहा है। निहार नहीं रहा हूँ, घूर रहा हूँ। घूर भैया कर रहे पापा, बहुत नाइटी सी आवाज है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे कंठ से तो फूल झड़ते हैं। क्या कंठ? कंठ ओ, तुझे पता था? अंकल मेरे साथ गाओ। सानी धापा सानी धापा, क्या रंडा पा क्या रंडा, क्या मागारे मागारे पारे सारे पारे सारे। रहने दे, क्यों कुछ और कर सकते हो? वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ। मत करो, दिक्कत हो जाती है आजकल। एक सेकंड मम्मी, सुनाओ कुछ। एक आदमी ने अपने पैरों पे घड़ी बांधना शुरू कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ चलना चाहता था। ऐसे जोक मारोगे? तू नहीं ऐसा, लेकिन तेरी माँ को कल यही जोक सुनाया था, बहुत हंसी थी वो। अच्छा मम्मी, काला कुत्ता भाव भाव हर चीज पे हंस देती है वो। खाना बना सकता हूँ? इधर देख के बोलना जरा। बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी कल? तूने भी तो खाई थी। हमने तो नहीं खाया, हमें लगा कढ़ाई में चूहे ने हाँक दिया वो बैंगन। तो रहने दो, बेइज्जती करवा लोगे वहां जाकर। तुम चुप रहो यार, अनमोटिवेट मत करो मुझे। बेटा इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ओके अंकल, डीमोटिवेट। बेटा इंग्लिश इज सिंपल एंड फाइन, जस्ट पुट although and perhaps before every line। पापा रहने दो ये रियलिटी शो। मैं मुंह से कई आवाजें भी निकाल लेता हूँ। कभी प्लेन सर के ऊपर से निकला है? ये देख। ओहो उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया था मैंने, 35 किलोमीटर रोज पहाड़ चढ़ के। पा दो अंकल, पा दो अंकल, पा दो। एक और बात, गैस नहीं बन रही, तीनों लेके आना। मैं नहीं ला रही कुछ। समझ गया, आप में टैलेंट है लेकिन आप नहीं जा सकते पिताजी गोड़े। क्यों? इसमें लिखा है कि कंटेस्टेंट के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। बेटा तू उस दिन कह नहीं रहा था कि पापा मैं अकेला पड़ गया हूँ थोड़ा? तो क्या देख रहे हो? अकेला पड़ गया हूँ का मतलब था कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था। हैवान है यार। क्या बोल रहे हो पापा? सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है तुम्हारी। भटूरे फुलाएंगे इस उम्र में, ये सब करना है इस आदमी को? मुझे अपना हुनर दिखाना है। अरे तो क्या बिस्तर से शुरू करोगे? क्या सोचते रहते हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे आंटी चाय। अरे चुप। मजा आ गया पूरा, मैंने हंसी कंटिन्यूस है दोस्तों। एक हंसी का पंच खत्म होता है कि नहीं, दूसरा पंच आ जा रहा था। बहुत मजा आया आज का शो, तो पूरा छाए हुए थे बबलू जी, पूरा छाए हुए थे। बहुत मजा आया दोस्तों, उन्होंने तो बहुत हंसाया। और बीच बीच में दोस्तों जो समीर पुद्दी या फमीर पुद्दी जो पंच मार रहे थे, बहुत मजा आया दोस्तों। वो तो हाईलाइट है, लाइक एक आइकॉन लीजेंड है वो तो। बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत अच्छे। ये भी बहुत अच्छा था, उन्होंने आप देखेंगे तो मयाक मयाक में जो भी सोशल टॉपिक्स चल रहा है उनको भी छेड़ दिया है। रहाने को नाम ले गया जो जिताया हमको अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने जो क्रिकेट जीता। रिहाना का नाम ले लिया, उन्होंने अभी कुछ हाल फिलहाल में ट्वीट किया था फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। देखिए उनका भी रहाने रिहाने दोनों ही चर्चा पे छाए रहते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने यूज किया टॉपिक। तो मानना पड़ेगा दोस्तों, इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी लेके कि किसी ने कुछ कुछ जो
अच्छा मैसेज नहीं दिया या ऐसा कुछ भी बुरा भला बोला तो उनको भी शायद अभी उनका कोर्ट में केस चल रहा है, तो अच्छा उन्होंने करंट टॉपिक को उठा के अच्छा एक बना दिया स्किट, बहुत मजा आया दोस्तों। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड है भुवन बाम, उनका बीबी की वाइन्स वन ऑफ द बेस्ट वाइन्स मैंने अभी तक देखा है, जब भी बनाते हैं हमको हंसी आता ही आता है। और देखिए फिर से पता ही नहीं चल रहा था कैरेक्टर्स एक ही आदमी प्ले कर रहा है, कितना ब्यूटीफुल प्ले किया, मुझे सब कैरेक्टर बहुत ही लवेबल बहुत ही एडोरेबल लगते हैं, बहुत मैं फाड़ू लोग हैं सब दोस्तों, एक से एक आइकन है वाले, जबरदस्त है, वेरी हैप्पी देखने मिला दोस्तों। और भी अगर बीबिंग की वाइन्स हमको मौका मिला देने के लिए वीडियोस पे रिएक्शन तो हम जरूर देंगे, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बहुत ही मजेदार बनाते हैं, लाइक बहुत ही अच्छा लगा उनका देख के। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही हम आपके साथ मजेदार वीडियोस शेयर करेंगे और हंसेंगे ऐसे। ठीक है फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।